घटना तो हो गई, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मामला न्यायालय के भी संज्ञान में है, सर्वोच्च न्यायालय के भी संज्ञान में है, और जो ट्रायल कोर्ट एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट हो, चाहे वो बांदा की हो, बाराबंकी की हो, मऊ की हो, इस दरमियान में जहाँ भी उनकी वर्चुअल पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ट्रायल की प्रक्रिया में उनका रोल होता है वो चलता रहा है, उनके तरफ से लिखित भी आवेदन दिया गया है और मौखिक रूप से भी न्यायालय से गुहार लगाई गई है। 19 तारीख को उनको जहर दिया गया खाने में मिला के, और तभी से उसी समय से ये बात कंप्लेन जहां कर सकते थे सब जगह किया गया। हमने तो टेलीफोन के माध्यम से सुपरिटेंडेंट जेल को भी 20 तारीख को ही इस विषय में बताया और उसने भी स्वीकार किया कि हाँ वो बीमार हैं, और हमने बाहर से भी 2 डॉक्टर मंगा लिए, एक डॉक्टर हमारे जेल का है, सब लोग मिलके इलाज कर रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले हम आपकी वार्ता से आधा घंटा पहले उनके पास गए थे, उनके बैरिक में गए थे और इलाज शुरू हो चुका है। ये खुद सुपरिटेंडेंट जेल ने 20 तारीख को कहा है, लेकिन 21 तारीख को तबीयत बिगड़ती रही तब भी वो जेल में, 22 को तबीयत बिगड़ती रही तब भी वो जेल में, 23 को, 24 को, 25 को भी जेल में, 26 को सीधे कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट जेल, हमसे नहीं कह रहे हैं, एक टेलीग्राम रेडियोग्राम भेजते हैं मोहम्मदाबाद थाने पे कि मुख्तार अंसारी की हालत बहुत चिंताजनक है और उन्हें एडमिट कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज में और उनका इलाज आईसीयू में चल रहा, परिजनों को सूचना दीजिए, नाम लिख के अफजाल अंसारी को, उमर अंसारी को सूचना दीजिए, तत्काल पहुंचे लोग मेडिकल कॉलेज। हम लोग पहुंचे हैं वहाँ, 1:30 बजे के आसपास मुख्तार से मुलाकात हुई है, 5 मिनट का समय हमको डॉक्टर से दिलाया गया, उस अवधि में मुख्तार से मेरी बात हुई है। सबके सामने वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे पूरे शरीर में जो जहर खिलाया गया है उसका असर इतना हो गया है कि आग लगी हुई है, मेरा पेट लगता है फट जाएगा और मैं बहुत बेचैन हूँ। उन्होंने ये कहा कि भैया ये लोग इलाज के नाम पे नाटक करेंगे, इनसे कहिए कि हमको रिफर कर दें लखनऊ में पीजीआई के लिए, केजीएमसी के लिए या मेदांता के लिए। मैंने ये बात कही, प्रसंग आया कि कैसे रिफर करें, वहाँ की व्यवस्था कैसे। हमने कहा, मुख्तारी ने कहा कि आप परिजन इसमें अगर लिख के दे कि हमारे स्वयं के खर्च पे इलाज कराया जाए। मैंने उनकी संतुष्टि के लिए लिख के दे दिया, भाई इनको रिफर कर दीजिए, यहाँ इलाज संभव नहीं है तो वहाँ जाएं और जो खर्च लगेगा हम वहन करेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, मानिए आजम खां के मामले में हुआ है। तो उसने कहा कि हम 3-4 दिन का समय दीजिए, इनको बिल्कुल हम खड़ा कर देंगे, अगर 4 दिन बाद आप आ जाइए, ये ठीक नहीं हो जाएंगे तो हम रेफर कर दें। अफसोस तब हुआ कि जब हम वहाँ से चले हैं और अभी आधे रास्ते में हडिया पहुँचे थे तो खबर आ गई कि उनको आनन फानन में डिस्चार्ज कर दिया गया जेल से। भला ये कैसे संभव है कि जो व्यक्ति जिसका इलाज आईसीयू में चल रहा, जो बैठ नहीं सकता, जो छटपटा रहा है कि हमारे भीतर जैसे आग लगी है, गैस इतनी बनी हुई है, अब जबरदस्ती लिखवा लिया डॉक्टर से, या साजिश का शिकार हो गया डॉक्टर, ये तो जांच का विषय है। अल्टीमेटली उनको व्हील चेयर पे बैठा के और जेल पहुंचा दिया गया। 26 की सुबह में जेल से 2 बजे भोर में निकाला है और शाम को 5 बजे जेल में ले लिया। 27 को वो जेल में रहे हैं, 27 को उनको पेशी पर मऊ अदालत के सामने पेश किया गया है,
उन्होंने खुद सीधे अदालत से कहा है, एमपी एमएलए कोर्ट से कहा है कि ये लोग मेरी हत्या कर देंगे, मेरी जान बचा लीजिए और मेरे समुचित इलाज का प्रबंध करा दीजिए, मुझे जहर खिला दिया गया है। डायरेक्ट जज से डायरेक्ट उन्होंने कहा। ये निष्पक्ष जांच हो तो हर पल पे सब कुछ पर्दा उठ चुका है। अभी हम देख रहे थे फोरेंसिक एक्सपर्ट बीएचयू का, उसका बयान आ रहा था। इन लोगों ने कहा कि उसको कार्डिया अरेस्ट हुआ है, हार्ट फेल कर गया है, उनका हार्ट पीला हो गया है। वो फोरेंसिक एक्सपर्ट कह रहा है ये जो स्लो पॉइजन दिया जाता है जिसमें एक महीने के बीच में कभी भी मौत हो सकती है, इसमें दो ही चीजें होती हैं, मौत के कारण में या तो लीवर फट जाएगा या मौत के कारण में उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और जहर से मरने वाले जो होंगे जिनका कार्डियक अरेस्ट होगा उसका हार्ट पीला हो जाएगा, तो मुख्तार का तो हार्ट भी पीला हो गया। अब न माने माने, अब सवाल यह है कि मुख्तार को मारने के पीछे मंशा क्या थी। मुख्तार को मारने के पीछे तो मंशा वही थी कि जो 15 जुलाई सन 2001 को वादी मुकदमा है मुख्तार, उसके ऊपर हमला हुआ है, 9 इंजर्ड लोग हुए हैं और 2 लोग उनके गाड़ी में रामचंद्र प्रदीप हेड कॉन्स्टेबल पुलिस वो मारा गया और रुस्तम उर्फ बाबू उनका साथी था वो मारा गया, और जवाबी कार्रवाई में जो हमलावरों में से एक वहां मौके पे मारा गया, जिसकी 10 दिन बाद सिग्नाक करके पुलिस ने बताया ये मनोज राय है, बिहार का रहने वाला। अब उसके पास से मौके से कार्बाइन बरामद हुई, वो हमला करने वाला एक अक्यूज्ड है, पुलिस जांच हुई, चार्जशीट लगी, केस का ट्रायल अब शुरू हुआ। अब मुलजिम की एप्लीकेशन पर, मुलजिम के याचिका पर मामला गाजीपुर के न्यायालय से ट्रांसफर होकर के लखनऊ पहुंच गया और खेला ये किया गया कि 22 साल के बाद घटना एक है उसकी दूसरी स्टोरी कर दी गई। दूसरी स्टोरी ये कर दी गई कि 15 तारीख को नहीं, 14 तारीख को मुख्तार अंसारी ने अपने ड्राइवर और अपने साथियों को भेज के और बक्सर बिहार कोई थाना है वहां से बिहार से उठा करके उसको लाए थे, उसके बेटे को मार के फेंक दिए। घटना एक, कहानी दो। एक कहानी की FIR 15 अप्रैल 2001 को लिखी गई और विवेचना हुई, एक कहानी की FIR मोहम्मदाबाद थाने में 23/23/2023 में लिखी गई। सीधी सी बात है, पूरी सरकार उसको बचाने के लिए नंगी होने को तैयार है, सारे इलाके का हर हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सब जाइए थूक रहा है कि अगर इस घटना को भी झूठा कहा जा रहा है जो मुख्तार पे हम आक्रमण हुआ तो ये इतना बड़ा झूठ है जैसे आकाश को धरती कहा जाए, धरती को आकाश कहा जाए। लेकिन ये कर रही है सरकार, कौन है अंधा जो दिखाई नहीं दे रहा कि वो माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह जो देश के सबसे बड़े शत्रु दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज है, उसको कितना संरक्षण दे के पुलिस कितना VIP ट्रीटमेंट दे करके आज घुमाया जा रहा है, गवाहों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्तार जेल में है, गवाही कर देगा, 7 गवाह गुजर चुके हैं, अभी और इंजर्ड विटनेस गुजरने हैं। अगर बीच में मुख्तार का काम तमाम कर दिया जाए, बाकी इंजर्ड विटनेस जो हैं वो भी घबराएंगे, और मुख्तार खुद एक बहुत बड़ा साक्ष था, वो साक्ष मिट जाएगा। जिस साक्षी को संरक्षण मिलना चाहिए उस साक्षी की हत्या की गई है खड़ियंत के तहत, कराई गई है खड़ियंत के तहत। अब हाई कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट है, जिन लोगों को विश्वास अभी भी है कि भारत में न्याय व्यवस्था अभी जीवित है वो तो कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे लीगल टीम के लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, हर स्तर पर कोशिश करेंगे न्याय प्राप्त करने के लिए और जो पापी हैं उनको सजा दिलाने के लिए, उसरी कांड के पापियों को भी सजा दिलाने के लिए, उसरी कांड का क्रास फर्जी मुकदमा कायम कराने वालों को भी उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए,
और मुख्तार की हत्या में जितने लोग सम्मिलित हैं, चाहे जेल कर्मी हो या मेडिकल अफिसरों की टीम हो या LIU, STF और शासन में बैठे हुए कुछ लोग, देखिएगा इस राज से ऐसा पर्दा उठेगा, इसमें ऐसे ऐसे सबूत हैं कि जिसको रख देंगे तो मुंह फटा का फटा रह जाएगा लोगों का, लेकिन वक्त के साथ होगा। अभी तो ये लोग खुद ही लीपापोती करने के लिए, मट्टी डालने के लिए मजिस्ट्रेट जांच भी आर्डर हो रहा है और न्यायिक जांच भी आदेश हो रहा है। पहला काम होना चाहिए कि हम उनके परिजन हैं, हम जो कह रहे हैं हमारी कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए, हमारा FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद उसकी जांच होती है ना। FIR भी हमारी आज तक अभी तक हमसे मांगे हैं, हम दे रहे हैं तहरीर, मुकदमा लिखे, उसके बाद जांच कराएं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी आपकी जो बात, जो जहर जनित बात कर रहे हैं उसको जो लगातार उठा रहे हैं और उनका पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उठा रहे हैं। बच्चा बच्चा पूरे पूर्वांचल का, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी थू थू कर रहा, यह राज्य का अगर कृत्य है और इतना घटिया कृत्य है तो लोग थूक रहे हैं। जिस राज्य से कल्पना की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा वो करेगा, और जो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होकर के राज्य के सुपुर्द किया गया उसकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी सुरक्षा की, और जिस व्यक्ति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है कि उसके सुरक्षा और उसके चिकित्सीय व्यवस्था में भी पूरी गंभीरता बरती जाए, मॉनिटरिंग करके और उसको बढ़ाया जाए, उसके बाद भी ये किया जा रहा। तो यार कोई दुनिया में अमर है? न मुख्तार अमर थे, न अफजाल अमर है। जो अपने को अमर समझता है, समझ रहे, समझता रहे।